वो नंबर सीरीज की थी और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए मेन पॉइंट क्या है, कुछ शब्द हैं उनके थ्रू हमें जैसे ऑल सम नो और कुछ हमें चीजें दी होंगी जैसे सब्जी गोभी आलू रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, है ना। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एक शब्द होता है ऑल। अब ऑल का मतलब है कि अगर कहा गया है ऑल ए या बी यानी सभी ए बी हैं तो इसका मतलब ए अंदर होगा बी बाहर होगा, देखें सम जो शब्द होता है तो अगर कहता है कि कुछ ए बी है तो ये होता है इसमें। और थर्ड पॉइंट होता है नो, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम बनते हैं जिससे पहले हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। जैसे एक से 12 तक के क्वेश्चन के लिए हम कुछ ऑप्शन दे रहे हैं कॉमन ऑप्शन, और आपको फाइंड आउट करना है कि किस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी नो का रिलेशन है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। सब्जी आलू गोभी, इसके लिए हमें पता करना है स्टूडेंट्स कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इन सभी में कौन सा ऑप्शन सही होगा, सब्जी आलू गोभी। देखिए अगर इसके लिए हम समझें तो गोभी और आलू में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों किसके अंदर होंगे, सब्जी के अंदर होंगे, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। कैसे सॉल्व करना है, दूसरा है मेज कुर्सी फर्नीचर,
अब मेज कुर्सी फर्नीचर के लिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो लगभग यही बनेगा। कैसे? बीच में मेज होगा, इधर कुर्सी होगी और फिर होगा फर्नीचर। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वीक लिखा हुआ है, एज है और ईयर है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या किया जाए इसका। तो जो डेज होते हैं वो वीक और फिर ईयर है। वीक डे डेज वीक और ईयर, क्योंकि सभी डेज वीक होंगे, सभी वीक ईयर्स होंगे, भाई वीक उसी के अंदर तो होंगे। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब फोर्थ देखिएगा जरा, जज, चोर, क्रिमिनल। तो चोर जो हैं वो सारे के सारे क्रिमिनल होंगे और जज बाहर हो जाएगा, क्योंकि भाई जज का रिलेशन चोर क्रिमिनल से थोड़ी ना होगा। जो चोर होंगे वो सब के सब क्रिमिनल के पार्ट ही तो होंगे, गजलक हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पति, पत्नी और परिवार। तो पति और पत्नी इन्हीं दोनों से मिलके तो बनेगा हमारा परिवार, लेकिन अब पत्नी मेल, पत्नी फीमेल है, पति मेल है, तो इन दोनों में रिलेशन नहीं होगा, ये अलग अलग होंगे और ये परिवार के पार्ट होंगे। मतलब ऑप्शन इज बी, सिक्स। वर्ग, आयत, बहुभुज। अब समझते हैं वर्ग, आयत और बहुभुज को। तो देखिए, वर्ग, आयत, बहुभुज का मतलब क्या बनाएंगे आप? सभी वर्ग आयत होते हैं और सभी आयत बहुभुज होते हैं। मतलब वर्ग अंदर होगा, आयत होगा और सारे आयत बहुभुज होंगे। मीन्स ऑप्शन नंबर ए। सेवन, बस, कार, व्हीकल्स। देखिए, ये बस होगा, ये कार होगी और व्हीकल होगा, दोनों इसी के पार्ट होंगे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर एट, घर, बिस्तर, स्नान गृह। तो जो बिस्तर होगा और जो स्नान गृह होगा, भाई वो दोनों कहाँ होंगे? घर में होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी। सरसों, जो,
आलू। क्या बनेगा सरसों जो आलू का? तो सरसों जो आलू में तीनों अलग होंगे। इस सरसों अलग है, जो अलग और आलू अलग। ये कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स तीनों अलग होंगे भाई, तीनों प्रोफेशन है। डॉक्टर अलग होगा, इंजीनियर अलग होगा, लॉयर अलग होगा। ये ऑप्शन सेकेंड मिनट और आवर, सेकेंड से मिलके मिनट बनेगा, मिनट से मिलके आवर बनेगा। मेटल आयरन फ्लोरीन। आयरन एक मेटल है और फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर डी चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, चलिए अब हम कुछ आपको क्वेश्चंस करवा देते हैं पीछे के, जिससे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। पहले हम लोग यूपीपीसीएल वाले देख लेते हैं। कप, प्लेट और कुकर्स है, ऑप्शन है कप, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
बर्ड्स नेस्ट्स ईगल। बर्ड्स पैंट शर्ट कपड़ा। बटर टी कप। व्हेल कुत्ते स्तनपाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या है। कप प्लेट कुकर्स, भाई तीनों अलग हैं। कप अलग है, प्लेट अलग है, कुकर अलग है, तीनों क्रॉकरी में है। तो कप प्लेट कुकर का ये वाला होगा। बर्ड नेस्ट और ईगल, ईगल बर्ड होगा लेकिन घोसला तो अलग चीज है, ये वाला होगा। पैंट शर्ट कपड़ा, पैंट शर्ट और कपड़ा। तो क्या पैंट और शर्ट दोनों कपड़ा में आएंगे? यस भाई, देखो बहुत सिंपल है। पैंट अलग होगा, शर्ट अलग होगा, लेकिन दोनों बने तो कपड़े के ही होंगे ना। बटर टी कप, तीनों अलग अलग होंगे। वेल कुत्ते स्तनपाई, वेल और कुत्ते दोनों स्तनपाई हैं, तो ये होगा। ध्यान से देख लीजिए, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पक्षी कौवे चमगादड़। पक्षी कौवे चमगादड़। जूते मोजे पल्प्स, पल्प्स को गूदा कहते हैं। चूहे चमगादड़ और बिल्ली। न्यूबॉर्न सीनियर सिटीजन। गुलाब कुमुदनी और कमल।
चले सॉल्व करिए इसको। पक्षी, कौवे और चमगादड़। कौवा और चमगादड़, तो कौवा तो पक्षी होगा लेकिन चमगादड़ मैमल्स होता है, स्तनधारी होता है, तो कौवा जो होगा वो तो पक्षी हो जाएगा, ये सही होगा। जूते, मोजे, पल्प। जूता अलग है, मोजा अलग है, पल्प गूदा होता है जो फलों का होता है। जंगल, प्राणी, भाषा है, तीनों अलग हैं। चूहे, चमगादड़ और बिल्ली, तीनों अलग हैं। ह्यूमन, न्यूबॉर्न और सीनियर सिटीजन। ह्यूमन, न्यूबॉर्न और सीनियर सिटीजन, तो न्यूबॉर्न और सीनियर सिटीजन दोनों ह्यूमन होंगे। गुलाब, कुमुदनी और कमल, तीनों अलग अलग हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलिए पीसीएल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लकड़ी, पत्थर और ईंट। ठीक है, चलिए चेक करिए। लकड़ी, पत्थर और ईंट क्या होगा? देखिए लकड़ी, पत्थर और ईंट कोई रिलेशन है क्या? लकड़ी, पत्थर और ईंट में नो रिलेशन। हिरण, भालू, स्तनपाई, दोनों स्तनपाई हैं। वृक्ष, झाड़ी, फल, तीनों अलग हैं। ह्यूमन, ह्यूमन, बर्ड्स, तो मैन तो ह्यूमन होगा, बर्ड्स अलग होगी, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16। खिलाड़ी तेज गेंदबाज क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा सही होगा? अब खिलाड़ी तेज गेंदबाज और क्रिकेट खिलाड़ी अगर इन तीनों को देखा जाए तो जो तेज गेंदबाज है वो क्रिकेट खिलाड़ी होगा और जो क्रिकेट खिलाड़ी है वो खिलाड़ी तो होगा ही। इसका मतलब सही ऑप्शन होगा थर्ड वाला, अंदर तेज गेंदबाज होगा फिर बाहर क्रिकेट खिलाड़ी और फिर खिलाड़ी होगा। स्टूडेंट्स गर्ल्स हॉकी प्लेयर्स सही कौन सा होगा? गर्ल्स जो है ये तो तीनों हो सकता है ना, तो चौथा वाला ऑप्शन होगा ना, सब हो सकते हैं। अब आते हैं एसएससी जेई पर। स्टूडेंट्स चलिए पहला क्वेश्चन है, आलू सब्जियां लौकी ठीक है, दूसरा है छात्र फुटबॉल खिलाड़ी और बास्केटबॉल। लड़कियां विद्यार्थीगण लड़कियां विद्यार्थीगण हॉकी खिलाड़ी पुरुष बॉक्सर महिलाएं तो छात्र फुटबॉल खिलाड़ी बास्केटबॉल खिलाड़ी छात्र अलग है भाई, ये तीनों हो सकता है ना,
कुछ कुछ का रिलेशन हो सकता है। लड़कियां विद्यार्थीगण हॉकी खिलाड़ी तीनों हैं, पुरुष बॉक्सर महिलाएं, ये वाला होगा। यहां से देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, आलू सब्जियां लौकी अभी रह गया, ये वाला होगा। अंगूर खाद्य पदार्थ और फल क्या होगा? तीसरा वाला, अंगूर एक फल है और फल एक खाद्य पदार्थ होगा। देखिए, एक वेन डायग्राम बना करके क्वेश्चन पूछा गया था। इधर ए है, इधर बी है, ये सी है, डी है, ई है, एफ है, एच है, आई है और जी है। जो त्रिभुज है वो गायक को, और जो सर्कल है नर्तक को, जो आयत है वो अभियंता। तो क्वेश्चन पूछा गया, जो आयत होने के साथ नर्तक भी है। CFEOD। तो अब उन अभियंताओं को बताना है जो गायक भी हों और नर्तक भी हों, मतलब तीनों। तो तीनों के साथ एक ही आएगा आंसर, ही यही है। यहां से सर्कल का पार्ट है, यहां से इसका पार्ट है, और यहां से आयत वाला। पंचभुज, कर्मचारियों को, व्रत महिलाओं को, आयत स्नातक। क्वेश्चन था, संख्या दो द्वारा चिन्हित क्षेत्र द्वारा निम्न में से
कौन सा समूह किया गया महिला कर्मचारी किंतु स्नातक नहीं? महिला स्नातक किंतु कर्मचारी नहीं। महिला स्नातक कर्मचारी हैं। महिला महिलाएं तो संख्या दो द्वारा, दो क्या डिनोट कर रहा है? तीनों डिनोट कर रहा है। दो तीनों क्या? दो में देखो वृत्त आ रहा है तो आएगा ही, और कर्मचारी पंचभुज आएगा। हाँ तो सही है ना, ये वाला होगा एक। महिला कर्मचारी किंतु स्नातक नहीं, स्नातक नहीं होगा क्योंकि तो आयत वाले में ये नहीं है, आयत में नहीं है। कौन सा सही है? महिला शिक्षित चिकित्सक और पुरुष, दूसरा अभियंता चिकित्सक और वकील। ये फल और भोजन महिलाएं खाते तो किसके लिए सही है स्टूडेंट्स? ये डायग्राम किसका सही है? ये वाला सही। जो शिक्षित हैं वो चिकित्सक तो बनेंगे ही भाई। ये बने ठीक क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
मदर सिस्टर फादर्स, तो कौन सा सही होगा? फादर अलग हो जाएंगे। चिंपांजी भालू दोनों जानवर होंगे। ठीक जो स्क्वायर वो रिसर्चर्स हैं, जो ट्रायंगल डिनोट कर रहा है ट्रायंगल जो है वो प्रोफेसर्स को डिनोट कर रहा है, जो सर्कल है वो रजिस्ट्रार्स को डिनोट कर रहा है, जो रेक्टेंगल वो वूमेन को कर रहा है। तो विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर्स हु आर आइदर वुमेन और रजिस्ट्रार्स। इधर क्यू है, ए है, एफ है, एम है और एन है, पी है और ओ है। ठीक है, ये एक्चुअल में वुमेन को डिनोट कर रहा है, ये रिसर्चर, ये प्रोफेसर और ये रजिस्ट्रार। ऑप्शन नंबर ए एन पी, ऑप्शन नंबर बी ओ एल, ऑप्शन नंबर सी के एम ओ, ऑप्शन नंबर डी ओ क्यू पी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट्स प्रोफेसर्स हु आर आइदर वुमेन और रजिस्ट्रार्स? आइदर वुमेन और रजिस्ट्रार्स, तो क्यू होगा आइदर वुमेन और रजिस्ट्रार्स, कौन सा सही होगा? आइए, करेक्ट ऑप्शन इज ये। हम लोगों ने आज लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में देखा स्टूडेंट्स, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए अच्छे तरीके से। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं खत्म करते हैं, कल फिर हम लोग मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।